हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट में। स्वागत में आपको क्रिकेट से लेकर बड़े बड़े खबर आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियोज मिल सके। पहली बड़ी खबर करूँ, क्रिकेट खबर निकल के आ रही है अबूधाबी T10 लीग के हवाले से। जो की बड़ी खबर की अबूधाबी T10 लीग इस साल सोनी पिक्चर्स पे देखने को मिल सकती है। स्वागत की बड़ी खबर निकल के आ रही है, 28 जनवरी से होने वाली अबूधाबी T10 लीग सोनी पिक्चर्स पर देखने को मिलेगी। और ये इनके चैनल सोनी 10-1, 10-2 और 10-3 चैनल है और इन्हीं पर वो इस साल होने वाली अबूधाबी T10 लीग इंडिया में देखने को मिलेगी। स्वागत की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और दूसरी बड़ी खबर करो करें, खबर निकल के आ रही है चेतेश्वर पुजारा के हवाले से। स्वागत की बड़ी खबर कि चेतेश्वर पुजारा इंडिया के 11वें ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, टेस्ट इतिहास के 11वें खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 6000 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस में रन बनाए। स्वागत की बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 11वें चेतेश्वर पुजारा इंडिया के बेहतरीन 11 खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने 6000 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस में रन बनाए हैं। अब चेतेश्वर पुजारा भी इस क्लब में शामिल हो गए हैं। स्वागत की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और तीसरी बड़ी खबर करो करें, खबर निकल के आ रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट मैच खेला गया उस टेस्ट मैच का रिजल्ट आ चुका है और ये टेस्ट मैच ड्रा हो गया है। और बेहतरीन बल्लेबाजी रविचंद्र अश्विन और हनुमा विहारी ने की जिन्होंने 259 गेंदें खेली और 62 रन बनाए और टीम को ड्रा पर ख़त्म कर दिया। और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इंडियन टीम ने यह टेस्ट मैच ड्रा कर दिया और बेहतरीन बल्लेबाजी इन दोनों ने की। इन दोनों के अलावा चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत ने भी बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, लेकिन आखिर में हनुमा विहारी और रविचंद्र अश्विन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को ड्रा पर ख़त्म कर दिया। यानी अब सीरीज अब 1-1 से बराबरी पर है और स्टीव स्मिथ को इस टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच हासिल हो गया है। और चौथी बड़ी खबर करो करें, खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। स्वागत की बड़ी खबर, पाकिस्तान सुपर लीग में इस साल बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हुए दिख सकते हैं। स्वागत की बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो ड्राफ्ट कल ड्राफ्ट थे उस ड्राफ्ट ने बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी ने शिरकत की और वो ड्राफ्ट में खरीदे भी गए। क्रिस गेल, डेविड मिलान जैसे खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया, लेकिन क्रिस गेल जैसे खिलाड़ी को शामिल किया गया, डेल स्टेन जैसे खिलाड़ी को भी शामिल किया गया। इसके अलावा राशिद खान, मोहम्मद नबी और मुजीबुर रहमान जैसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया और एलेक्स हेल जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को इस लीग में शामिल किया गया। इस साल होने वाले पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। स्वागत की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और पांचवी बड़ी खबर करो करें, खबर निकल के आ रही है दीपक हुड्डा के हवाले से। स्वागत की बड़ी खबर कि दीपक हुड्डा जो सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल के जो उन्होंने नहीं खेली और वो उस टूर्नामेंट से बाहर आ गए थे और अब जो बरोडा के CEO है उन्होंने BCCI को एक लेटर भेजा है और BCCI और IPL गवर्निंग काउंसिल को उन्होंने बताया है कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ है। अब आगे आने वाले जो भी अपडेट आएगी इस पर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल ये इतना तय होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर वो इल्ज़ाम उस पर लगाया गया तो वो IPL 2022-21 में IPL खेला जाएगा, उससे वो बाहर किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, दीपक हुड्डा IPL 2021 में खेलते हुए नहीं देख सकते हैं, अगर उस पर इल्ज़ाम हो गया तो वो उस 2021 के IPL में नहीं खेल सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियो मिल सके। थैंक यू।